अहम् सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावसमन्विता तुमने दिन दहाड़े हजारों लोगों की मौजूदगी में अपने पति की जान ली और तुम कहती हो कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। 12 साल जज साहब, 12 साल तक वो मुझ पे जुल्म करता रहा, मुझे जानवरों की तरह मारता रहा, पीटता रहा। मैं नौकरी करती रही और वो मेरी तनख्वाह शराब और जुए में उड़ाता रहा। उसने अपनी शराब और जुए की लत की वजह से मेरा घर का एक एक सामान सब कुछ बेच दिया और जब बेचने को कुछ भी नहीं बचा तो उसने 4 दरिंदे सारी रात मेरे बदन को नोचते रहे और वो सामने बैठकर शराब भी करा। अब आप ही कहिए जज साहब, क्या पति ऐसा होता है? नहीं नहीं, वो पति नहीं, वो इंसान ही नहीं था। अदालत को दुर्गा के साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन उसका जुर्म नाकाबिले माफी है, इसलिए ये अदालत मुलजिमा दुर्गा को 14 साल कैदे बा मुशक्कत का हुक्म देती है। देवा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे लाल, मुझे जोर के बचाओ, मेरी माँ को मत लेके जाओ। पुष्पा, तुम यहाँ? ऐसा नहीं लग रहा जैसे आपके कानून ने इस माँ के साथ साथ इस बच्चे को भी सजा दे दी है। Oh!
जाने अनजाने में अगर मेरे पति से कोई भूल हो गई तो उन्हें क्षमा करना। बंदों पे अपने है दाता, इतना तो उपकार कर। बंदों पे अपने है दाता, इतना तो उपकार कर। को हार कर बंदों पे अपने है दाता, इतना तो उपकार कर। मम्मी डैडी ये किस भिखारी को घर उठा लाए? मुझे भूख नहीं है। तेरे बाप का खून किया है क्या? ये बोलना। Ah!
टीका किया कर, प्रसाद लिया कर, भगवान को प्रणाम किया कर। मैं भी तुम्हें कितनी बार समझाऊं माँ, मेरे लिए भगवान तुम ही हो। उस पत्थर की मूरत को मैं नहीं मानता और कानून को भी नहीं। अब क्या किया मेरे बेटे ने? ये खून के निशान देख रही हो? जरूर तुम्हारे बेटे ने आज किसी को बहुत बेदर्दी से मारा है। ये सुबह सुबह जॉगिंग करने गए थे या लड़ाई करने? सुबह सवेरे शैतान भी बाहर घूमने निकलते हैं बाबूजी। एक गरीब लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे, उसकी मदद करना मेरा फर्ज था। और कानून से मदद मांगना तुम्हारा फर्ज नहीं था? उस वक्त आपका कानून सोया हुआ था, और वैसे भी जब तक आपका कानून उस मासूम की मदद करने पहुंचता, उसकी झोली में बच्चा होता। सुन रही हो? इसलिए जहां भी कानून देर से पहुंचता है वहां तुम इंसाफ खुद कर बैठते हो। देर से मिला हुआ इंसाफ खुद एक नाइंसाफी है बाबूजी। अक्सर आपका कानून बीमार को दबा देने के लिए उस वक्त पर पहुंचता है जब वो मर चुका होता है। तुम्हारे दिल में कानून के लिए जो नफरत मैं देख रहा हूं, उसे देखकर लगता है एक दिन अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लोगे तुम। मुझे तो लगता है डैडी कि जब वो दिन आएगा तो इसके हाथों में हथकड़ियां कोई और नहीं, आप ही बनाएंगे। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी थी। सॉरी डैड। देवा आज मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। बस भी कीजिए ना, ये भी कोई तरीका होता दिन शुरू करने का। बेटे तुम जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो, वरना आज फिर तुम्हें काम पर देर हो जाएगी। अरे लक्ष्मी बाई, जल्दी से नाश्ता लगाओ। मुझे डर है पुष्पा कि किसी दिन कानून के एक तरफ मैं और दूसरी तरफ तुम्हारा बेटा ना खड़ा हो। भगवान मुझे वो दिन कभी ना दिखाए। इसीलिए कहता हूँ कि समझाओ अपने देवा को, वो हर काम मेरी मर्जी के खिलाफ ही क्यों करता है। अब तुम ही बताओ, उसे गैरेज में एक मामूली मैकेनिक का काम करने की क्या जरूरत है? आपके पिताजी भी तो लाखों करोड़ों की ये जायदाद छोड़ गए, फिर आपको पुलिस की नौकरी करने की क्या जरूरत है? ये नौकरी मैं अपनी जरूरत के लिए नहीं, अपने शौक के लिए करता हूँ। वो अपनी खुददारी के लिए करता है, वो हर दूसरे दिन आपके सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहता। मैं समझता था कि सबसे ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मुझसे भी ज्यादा तुम अपने बेटे को चाहती हो। क्षमा कीजिए बाबूजी। सुनिए जी, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ, आइए। मेहरबानी। आप क्या बचपन से इसी तरह हैं? नहीं नहीं, इन आंखों ने तो बहुत कुछ देखा है, मगर अचानक एक हादसा। हादसा? बहुत दुख भरा हादसा है, सुनेंगे? सुनाइए। दो साल पहले मैं ऐसी सड़क पार कर रही थी, सामने से एक अंधा आ रहा था और दूसरी तरफ से एम्बुलेंस। हम तीनों आपस में टकरा गए, इसी तरह मेरी जिंदगी अंधेरी हो गई। गरीब हूँ वरना आंखों का इलाज भी करा लेती। देखिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, बस अपनी ये तनख्वाह दे सकता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काश इस देश का हर पुलिस वाला आप जैसा होता। पुलिस वाला? आपको कैसे पता चला कि मैं पुलिस वाला हूँ? जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो आपके हाथ में डंडा था, और डंडा तो सिर्फ दो ही लोगों के हाथों में होता है, या तो अंधे के या पुलिस वाले के। बिना आंखों के भी आप कितना कुछ देख लेते। आप
छोटी शर्म तुझे छूके नहीं गुजरी, तेरा नाम शर्मीली किसने रख दिया? कब सुधरेगी तू, कब सुधरेगी? हाथ पकड़ ले मेरा, कल सुधर जाऊंगी। एक बार दुल्हन बनाकर अपने घर तो लेके जा। अगर तुझे मैं अपने घर ले गया तो दूसरे दिन मुझे अपना घर ढूंढना पड़ेगा कि इस शहर में था के नहीं। अरे देवा, मैं तेरे साथ बेईमानी थोड़ी करूंगी। मैं तो तेरी सेवा करूंगी, तेरे बच्चों को पालूंगी पोसूंगी, उनका ख्याल रखूंगी। हट, तेरा क्या भरोसा, पता चले तू मेरे बच्चों को ही बेच दे। नहीं रे, शादी करके तो देख, सुखी हो जाएगा सुखी। यकीन नहीं आता तो जोशी से पूछ ले। अगर तू इस मैना का तोता बन गया ना तो तेरी लाइफ बन जाएगी। भूतनी, मैं कब्रिस्तान के किसी चुड़ैल से शादी कर लूंगा, लेकिन तुझसे नहीं। मैं ना होती तू मेरे मन का तोता, मैं जो तेरा तोता। कर देती तो कर देती बेचैन मुझे तू चैन से, मैं ना सोता। हुआ हुआ क्या हुआ, नहीं है तुझको मुझे पता है, मुफ्त में तू बदनाम करेगी मुझको। तू मेरा यार है, कह दे कि प्यार है, ये तेरे प्यार का किस्सा बेकार है। हुआ हुआ क्या हुआ, प्यार हुआ, अरे हुआ।
cheating man. This is... सिगरेट जुए और शराब की आदत तो मेरे भाई को लगा चुके हो, अब लड़की की आदत भी लगा दी। उस लड़की को तो अक्सर मैंने तुम्हारे साथ देखा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना वो? थी, अभी करण की है। हम दोस्तों में ये सब चलता है। तुम्हारे चाल चलन को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लड़की कितनी शरीफ है आज ये भी जान गया। तू अपनी बात करना यार, जलन हो रही है क्या? देख मेरे भाई के इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, उससे दूर रहना वरना। वरना क्या करेगा? हाँ तू कौन होता है मेरे दोस्तों पर हाथ उठाने वाला? देख भाई, ए खबरदार जो मुझे भाई कहा तो। जरा सोच करण, जो लड़की इतनी बेशर्मी से खुलेआम तेरी बाहों में बाहें डालकर घूम सकती है वो लड़की क्या होगी? एक गिरी हुई लड़की है वो। तू जानता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा गिरा हुआ कौन है? तू, तेरा बाप, जो अपनी ही पत्नी से धंधा करवाना चाहता था। तेरी मां, जिसने अपने ही पति का खून कर दिया। भूल गया था ना तू? इसीलिए याद दिला रहा हूं कि तेरा बाप एक दल्ला था और तेरी मां एक खूनी। वो लड़की तेरी मां से ज्यादा गिरी हुई नहीं हो सकती। अगर यही बात तेरे बजाय किसी और ने कही होती तो आज उसे जान से मार डालता मैं। एहसान मान उस मां का जिसकी पूजा करता हूं मैं, आज उसकी वजह से तू जिंदा बच गया। मां, तूने उसके लिए मुझे थप्पड़ मारा? हाँ बेटे, जिसे मैंने जन्म दिया उसे अपना दूध पिलाया है। तुझे सिर्फ आंसू पिला सकती हूँ बेटी। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कह। कभी कभी सोचती हूँ अपने घर में लाकर सिवाय जिल्लत के क्या दिया है तुझे। माँ, वो प्यार जो तूने और बाबूजी ने मुझे दिया है उसके लिए ऐसी जिल्लत तो मैं सारी जिंदगी सह सकता हूँ। बेटा, करण दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ नादान है। देखना एक न एक दिन वो तुझे जरूर समझेगा। कब माँ, कब समझेगा वो मुझे? ए, आज शाम से देख रही हूं कुछ मूड ठीक नहीं है तुम्हारा। दिल तो नहीं भर गया मुझसे? नहीं अमृता, तुमसे कभी दिल भर सकता है मेरा? तो फिर मेरे होते हुए किस सोच में डूबे हो तुम? देवा के बारे में सोच रहा हूं। आज मेरा गिरेबान तक पकड़ने की हिम्मत आ गई उसमें। जानती हो अमृता, भिखारी बनकर आया था मेरे घर में और आज मेरे माँ बाप के दिल में मुझसे ज्यादा उसके लिए जगह है। मेरा प्यार तो उसने बांट ही लिया, मुझे डर है कहीं एक दिन मेरे हिस्से में आने वाली जायदाद का आधा हकदार न बन बैठे। He's a clever bastard. हेलो अमृता, तुम्हारे शो का टाइम हो रहा है। मैं अभी आती हूँ रॉकी। Hey करण, come on, relax. Go and get fresh. मुझे नीचे जाना है। Okay? अच्छा, तो शराब पीकर आया है तू? जानता है तेरे डैडी को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? घर से निकाल देंगे। वैसे भी इस घर में मेरी नहीं, देवा की जरूरत है सबको। क्या बिगाड़ा है उस गरीब ने तेरा? क्यों नफरत करता है तू उससे इतनी? मैं उससे नफरत इसलिए करता हूँ क्योंकि तू बहुत प्यार करती है उससे। हाँ करती हूँ, क्योंकि मेरे प्यार के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। तकदीर ने बचपन में उस बदनसीब से सब कुछ छीन लिया,
अगर मैं भी अपनी ममता का साया उसके सर पर न डालती तो कहाँ जाता वो अनाथ? तो क्या इसीलिए तूने अपनी ममता का बंटवारा कर दिया माँ? ममता बांटने से ममता का बंटवारा नहीं होता करण। तो फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि तेरे प्यार का बहुत कम हिस्सा आया मेरे हिस्से में? कोई तो वजह होगी ना माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि देवा अपने आप को इस घर में पराया ना महसूस करे, इसलिए तूने अपना सारा प्यार उस पर निछावर कर दिया ये सोचे समझे बिना कि तेरा अपना बेटा अपने ही घर में अपने आप को पराया महसूस करने लगेगा माँ? ऐसा मत सोच बेटी, देवा तो 9 साल का था जब मैं उसे इस घर में लेकर आई थी, तुझे तो 9 महीने अपनी कोख में पाला है मैंने, मेरे शरीर का हिस्सा है तू, तुझसे बढ़कर और कौन हो सकता है? मेरे एक चाटे का इतना बुरा मान गया तू, क्या एक माँ को इतना भी हक नहीं है? तू हक की बात करती है माँ, तो मेरी जान ले ले, मैं उफ तक नहीं करूंगा, मगर अब देवा की वजह से दोबारा तूने मुझे चाटा मारा तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा माँ। नहीं करण, तू मुझे छोड़कर गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी करण। चाचा जी। क्या शर्मिली, ये दुग्गल जी इसी रास्ते से जाते हैं ना? अरे बेटी, वो अपनी तरह कड़का नहीं है, पैसे वाला है, ऑफिस में फाइलों में उलझा होगा, आता ही होगा। कोई गाड़ी आ रही है, लगता वही है। समझ रेडी। आपको मैं कहीं छोड़ सकता हूँ? कहाँ, होटल या घर? घर, घर में आज कोई नहीं है, मेरी बीवी भी बाहर गई हुई है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम से क्या काम है? काम है इसलिए पूछ रही हूँ। जी मैं राजीव दुग्गल। दुग्गल, चल। कंफर्टेबल है ना? ऑफ कोर्स। सॉरी, आप विस्की पीती है ना? ऑफ कोर्स। नाइस, वेरी नाइस। डरा डर घोलो का शराब इसमें फिर मिलाई। थैंक यू। फिलेट होमा कंफर्टेबल, अपना ही घर समझिए। इतनी रात में कौन आया होगा? कहीं मेरी बीवी तो नहीं होगी? वो तो कल आने वाली थी बैगे से। इंस्पेक्टर, आपने मेरी फोटो क्यों खींची? कानून बिना सबूत के मुजरिम को छोड़ देता है, इसलिए पहले मैं सबूत को पकड़ता हूँ, बाद में मुजरिम को पकड़ता हूँ। मुजरिम? मैंने क्या जुर्म किया? जुर्म? बिना परमिट के शराब, बिना लाइसेंस के शबाब, दफा 210 यानी 2 साल। 2 साल? यस। इंस्पेक्टर साहब, मैंने पैसा पहली दफा किया है, वैसे मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? शादीशुदा मतलब बीवी के साथ धोखाधड़ी? दफा 420 मतलब 4 साल। 4 साल? 4 साल मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चे? खामोश। बाप के फर्ज से बेईमानी, दफा 840 मतलब 8 साल। ये सारी दफा कई दफा लगी थी तुम पर, कम से कम 50 साल की सजा होगी तुमको। 50 साल? इतनी सजा काटने के लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है। 25,000 लगेंगे। 25,000? कम है? बहुत ज्यादा है, इतने मैं नहीं दे सकूंगा। और देने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये इंस्पेक्टर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी थोड़ी बहुत धुलाई कर देंगे, कल सुबह तुम्हें कोर्ट ले जाकर तुम्हारी बदनामी करेंगे और तुम्हारी बीवी से तुम्हारा तलाक करवा देंगे, और कुछ नहीं कर सकते। अरे, करने के लिए इनके पास बचा ही क्या? कुछ बचा? नहीं। दी, देता हूँ 25,000, लाता हूँ इसी बार।
कहा इनके चक्कर में फंस गया। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब 25,000 रुपए मेरी मेहनत के। नहीं है। चला झगड़े। चलती हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये कैमरे की रील मुझे दे दीजिए ना। कैमरे में रील नहीं थी। नहीं थी? कितनी अच्छी बात में बच गया। कैमरे में रील नहीं थी। तू यहाँ क्यों आई है छोटी? दहेज जमा कर लिया है मैंने। पूछने आई थी शादी कब कर रहे हो मुझसे? अरे चुड़ैल, अगर तू दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। मगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी सिर्फ तुझसे ही शादी करूंगी। शादी? विनोद भाई, कौन कर रहा है शादी? कब कर रहा है शादी? ये मॉडल कौन सा है? वो विनोद भाई, वो क्या है कि ये जी, मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ। बीवी? घणो सारू। आजकल तो हर घर के अंदर बीवी और टीवी का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा ये इंजन कब फिट हुआ? नहीं विनोद भाई, वो तो अरे घबराओ नहीं। आजकल मेरे को भी शादी, दूल्हा दुल्हन, बारात, हनीमून, इन शब्दों से एकदम प्रेम हो गया है। क्यों? क्योंकि अगले महीने मेरी भी शादी पक्की हो गई है, शर्मिली के साथ। अरे देवा, शर्मिली तो गुणवंती और संस्कारी लड़की है ही, लेकिन उसका चाचा, हा 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 हा, ऐसा मॉडल तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। कितना सीधा सादा, कितना भोला, अरे देवता है देवता। तो इसका मतलब आप इनके चाचा से भी मिल चुके हैं? आज सवेरे ही दर्शन हुए थे उनके। शादी का जोड़ा, शादी के गहने, शादी का पूरा खर्चा, हनीमून की टिकट सब ले गए। आप दोनों शादी में आना हो, मैं सबको बुलाने वाला हूँ, मैं सबको कार्ड दूंगा। कार्ड पति को प्रेस में जाना है। भूतनी, तू और तेरा कमीना चाचा दोनों मिलकर विनोद भाई को बुरा कार्ड दोगे क्या? तेरी कसम देवा, चाचा जी ने ये प्रोग्राम कब बनाया मुझे कुछ पता नहीं। चल झूठी। मैंने तेरी कसम खाई और तूने मुझे झूठी कहा? एक बार नहीं, 1,000 बार कहूंगा, तू झूठी है, झूठी है, झूठी है। चाहता तो तुम्हारे होठों को भी चूम सकता था, लेकिन ये सजा ज्यादा अच्छी रहेगी। अपने हाथ संभाल के रखना, क्योंकि ये जहां जहां छुएंगे, समझना मैंने छुमा है। क्या हुआ तेरे हाथ को? नहीं चाचा जी, कुछ नहीं। फिर छुमा क्यों रही है? बता 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 नहीं नहीं बता 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 नहीं नहीं बता ना। कुछ भी तो नहीं है, नखरे करती है। तेरे हाथ कितनी प्यारे। ये हंसी काय को? कुछ लगा है क्या? रात है, रंग है, जिंदगी है, फिर भी ऐसा लगे कुछ कमी है। ओ
करे। क्या चाहिए आपको? वो लड़की। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? दिमाग तो सही है ना आपका? देखिए मिस्टर, आप अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहां से चला जा। अरे भागो!
आखिर ढूंढ ही लिया ना तुझे, आज तो तुझे मेरी नजर लगे ही लगे। थूका था ना तूने मेरे मुंह पर, आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि सारी दुनिया थूकेगी तुझ पर। गली से मारते हुए यहां तक लाए हो ना, याद रखना मेरा बाप तुम्हें मारते हुए इस शहर से बाहर ले जाएगा। जानते हो मेरा बाप कौन है? तुझे पता है या तुझे भी अपनी मां से पूछना पड़ेगा? लग गई तुझे अब नजर लग गई। इस सवाल का जवाब तुझे मैं नहीं मेरा बाप देगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हमारा सेक्रेटरी, हमारे मैनेजर्स, यहाँ तक कि हमारा वकील भी यहाँ मौजूद है। जरूर कोई संगीन बात है, मामला क्या है? सर प्लीज आप अपने आप पर काबू रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि आपकी सिर्फ एक ही कमजोरी है। क्या हुआ निरंजन को? सर निरंजन बाबा ने एक लड़की का रेप किया है। अच्छा, इतना बड़ा हो गया है वो? कमाल करते हो तुम लोग भी, इतनी मामूली सी बात के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग से मुझे यहां बुला लिया। भंडारी उस लड़की को 2-4 लाख रुपया भिजवा दो। वो लड़की मर चुकी है सर। सर निरंजन बाबा इस वक्त लॉकअप में है। सर
सर, वो ऑफिसर जिसने निरंजन को गिरफ्तार किया है बहुत ही टेढ़ा आदमी है सर, उसने बहुत मारा भी है बाबा को। अंकल, राजी और इस्माइल अभी भी निरंजन के साथ हवालात में बंद है। हम बड़ी मुश्किल से भाग आए। हमारे बेटे को मुसीबत में अकेला छोड़कर तुम लोग भाग आए? क्या करते अंकल, मर्डर केस बन गया और मर्डर हमने नहीं निरंजन ने किया है। सक्सेना। यस सर। इन दोनों को किसी महफूज जगह पर ले जाओ, जब तक मामला दब नहीं जाए ये पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। जाओ इनके साथ। थैंक यू अंकल। भंडारी। यस सर। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ योर एग्जिस्टेंस इज माई डेथ बेटर यू डाई। उनके जीने से अगर हम मरते हैं तो बेहतर है वो मर जाए। माइकल को फौरन इतला करो। I'm sorry sir, मैं उसे रिहा नहीं करूंगा। खुदकुशी करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो सिद्धांत। मैं तुम्हें पसंद करता हूं इसीलिए यह सलाह दे रहा हूं। This is my personal request। मैं वर्दी में किसी भी रिक्वेस्ट को नहीं सुनता हूं सर। तो फिर यह मेरा ऑर्डर है। मैं वर्दी में गलत ऑर्डर भी नहीं मानता सर। तो मजबूरन मुझे तुम्हारा ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं खुद नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। सिद्धांत, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी जो अमीरों के दबाव में आकर गरीबों को इंसाफ ना दे सके। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर, लीजिए। ये लीजिए, पढ़िए आज के अखबार, और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उन्हें मैं खुद पढ़कर सुना देता हूं। किस किस्म की सरकार इस देश को चला रही है? इस सरकार के राज में इंसाफ कहां खोकर रह गया? इस केस को दबाने के लिए चीफ मिनिस्टर को कितना इनाम मिला? कमिश्नर साहब, ओपोजिशन पार्टी और जनता हम सबसे हमारे त्याग पत्र मांग रही है, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? सर, ऐसा पहली बार हुआ। जी हाँ, सच्चाई अपना असली रंग दिखा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंसाफ मांगने के लिए लोग बाहर सड़कों पर निकल आए। इससे पहले कि ये इशू और बढ़ जाए उस एसीपी को बुलाइए। सर, आपको अंदर बुलाया। आपने मुझे याद किया सर। पुलिस डिपार्टमेंट को आप जैसे सच्चे और ईमानदार ऑफिसर की जरूरत है, कल से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। सर, मैं आपके ऑर्डर की इज्जत करता हूं लेकिन इसके लिए आपको मेरी दो शर्तें माननी होंगी। मिस्टर सिद्धांत, तुम होश में तो हो? जानते हो तुम किससे बात कर पाटी जी? क्या शर्त है आपकी? मेरी पोस्टिंग उसी जगह होगी सर जहां मैं पहले था, और मेरे आखिरी केस का मुजरिम जो इस वक्त आजाद है वो मुझे दोबारा मेरी हवालत में चाहिए। कमिश्नर साहब, आप होश में तो हैं? जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? क्या बात है डैड? कुछ नहीं बेटे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जी, आई एम सॉरी मिस्टर शोभराज, मैं मजबूर हूं, ये चीफ मिनिस्टर का हुक्म है। चीफ मिनिस्टर? जी। ठीक है, हमारा बेटा आपके साथ जाएगा, लेकिन इसे ले जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। रात का खाना ये खा चुका है और सुबह का नाश्ता हमारे साथ यही करेगा। मगर डैड। घबराओ नहीं, मैं हूं ना, जाओ इनके साथ। ये हैं पिछले 20 सालों में तुम्हारे भेजे हुए इनविटेशन कार्ड्स, देखो हमने कितने प्यार से संभाल कर रखे हुए हैं। तुम्हारी इतनी दावतों के बावजूद आज तक हम तुम्हारे घर पर नहीं आए, क्योंकि लोग ये ना समझें कि हमारे बिजनेस में तुम किसी किस्म की हमें फेवर करते हो। लेकिन आज हमें आना पड़ा क्योंकि आज एक तुम ही तो हो
जो हमारी मदद कर सकते हो। शुभराज, मैं आज जिस मुकाम पर भी पहुंचा हूं वो सिर्फ तुम्हारी मदद और साथ का नतीजा है। लेकिन काश मेरे बस में होता कि मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता। याद है गौतम, कॉलेज में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए तुम इलेक्शन लड़ना चाहते थे और पोस्टर छपवाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। उस वक्त हमने तुम्हारी मदद की थी और इस बात का भी ख्याल रखा था कि प्रेसिडेंट तुम ही बनो। मुझे सब याद है। फिर 5 साल बाद एक बार फिर से तुम हमारे घर पर आए थे जब तुम्हारी पार्टी ने तुम्हें एमएलए का टिकट दिया था। फिर से हमने तुम्हारी मदद की थी, तुम एमएलए बन गए, फिर एमपी, फिर होम मिनिस्टर और आज चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन हमने आज तक तुम्हें यह हकीकत नहीं बताई कि तुम्हारी पार्टी ने वो टिकट तुम्हारी सेवाओं के बदले में नहीं दिया था, बल्कि वो टिकट हमने तुम्हारे लिए खरीदा था 10 लाख रुपए में। मैं जानता हूं, मुझे बाद में पता चला था। हमने जिंदगी में सिर्फ देना सीखा है गौतम, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। लेकिन आज पहली बार तुमसे मांग रहे हैं, हमें हमारा बेटा दिलवा दो, वही हमारी जिंदगी का मकसद है, हमारी दौलत है, हमारा सब कुछ है वो। काश मैं आज तुम्हारे एहसानों का बदला चुका सकता शोभराज, मगर उस पर कत्ल का केस है और तुम जानते हो इस केस को लेकर कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है। ऑपोजिशन पार्टियां इस इंतजार में हैं कि कब मैं एक छोटी सी गलती करूं, और जिस ऑफिसर ने तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार किया है वो उसोलों का बहुत पक्का आदमी है। उसने धमकियों से डराया जा सकता है और ना ही पैसे से खरीदा जा सकता है। ही इज नॉट फॉर सेल। दुनिया में हर आदमी बिकाऊ है गौतम, हर आदमी की कीमत होती है, बस उसे उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो मत करो। उस पुलिस ऑफिसर से मुझे मिलवा तो सकते हो। आओ आओ सिद्धांत आओ। सर। अरे नहीं नहीं, इस सब की जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हें यहां एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम इंसान की हैसियत से बुलाया है। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? इनसे मिलो, ये है मिस्टर शोभराज, मेरे कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, ये तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अगर तुम दोनों के बीच कोई फैसला होता है तो यकीन जानो ये फैसला तुम दोनों के बीच ही रहेगा। मैं यहां बैठा हूं लेकिन समझना कि मैं यहां मौजूद नहीं हूं। हेलो। हेलो, बैठिए, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लॉ इज द स्लेव ऑफ द रिच, कानून अमीरों का गुलाम होता है, और हम इस कहावत में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। मगर मेरा विश्वास यह है सर कि आज तक ऐसा कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो कानून का मालिक बन सके। हम आपसे बहस करना नहीं चाहते, सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जिस लड़के को आपने गिरफ्तार किया है वो हमारा इकलौता बेटा है, माई ओनली सन। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको अपने केस के लिए एक मुजरिमी चाहिए ना? हम आपसे ये वादा करते हैं कि वो दोनों लड़के जिनको आपने हमारे बेटे के साथ गिरफ्तार किया है वो अदालत में खुद अपने मुंह से ये कबूल करेंगे कि उस लड़की का खून उन दोनों ने किया है। देखिए मिस्टर शोभराज, अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की, अदालत उन दोनों को सजा देगी, आप जनता की नजरों में हीरो ही रहोगे, हम देखेंगे कि आपका प्रमोशन हो जाए, और आपकी इस मदद के बदले में हम आपके वजन के बराबर का आपको सोना तोल देंगे। लगता है आज तक आपने सिर्फ दुकानें देखी हैं, इंसान नहीं। मिस्टर सिद्धांत, हमारी बात मान लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे, आप जो चाहेंगे हम देंगे। उस लड़की को जिंदा कर दीजिए जो मर चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका बेटा बच जाएगा, कोई केस नहीं रहेगा। हाथ हटाइए, हटाइए हाथ,
अपने से बड़ी उम्र के लोगों पर हाथ उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या समझते हैं आप अपने आप को? कानून क्या आपकी जागीर है? आपके दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता है जो आपके इशारों पर भौंके? या फिर कानून को आप ताश की बाजी समझते हैं जिसे आप जिस तरह चाहें अपनी मर्जी से फेंक सकते हैं? गौर से सुनिए, आपका बेटा एक जंगली जानवर है और उसने जो वैश्याना जुर्म किया है उसकी सजा कानून उसे जरूर देगा। मैं दिलवाऊंगा। सॉरी, टेप खत्म हो गया। सर, आप एक शरीफ ईमानदार इंसान हैं इसलिए कैसेट आपको वापस कर रहा हूं, लेकिन प्लीज सर, अपने दोस्त से कह दीजिए कि आइंदा मुझे खरीदने की कोशिश मत करें, वरना दूसरा कैसेट मैं प्रेस कर दूंगा। मैं जानता हूं जब इकलौता जवान बेटा जेल की सलाखों के पीछे हो तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आपके लिए कोई दुख नहीं। सिद्धांत, जाने से पहले सुनते जाओ, हम वो इंसान हैं जिसके सिर्फ दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त, दुश्मन कोई भी नहीं। तुम अकेले हमारे दुश्मन मत बनो। मैं जिस पेशे में हूं ना, वहां मेरे सिर्फ दुश्मन हैं, दोस्त कोई भी नहीं। आज से एक दुश्मन और सही। आपने कहा सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे। माँ, तू तो जानती है मैं खून का दरिया देख सकता हूं,
लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं। साबिल। अच्छा सुन। जी? ये तुम्हारे होटल में माधुरी दीक्षित की इतनी तस्वीरें क्यों लगी हुई है? वो क्या है कि हमारे साबुन के बहुत बड़े फैन हैं। फैन? अभी घुमाता हूँ इस फैन को। चाची जी। तू यहाँ क्या कर रही है शर्मिली? मैं यहाँ माधुरी की छोटी बहन बनकर आई हूँ। क्या? ये मेरा बकरा है, इसको मैं हलाल करूंगा। तू जाके कोई और दुकान देख। अच्छा सुन, तू तो मेरी मदद करेगी इसको हलाल करने में? सुन, अरे चलना है। भाई साहब, हम एक फोन कर सकते हैं? हाँ हाँ, करो करो। दीदी शूटिंग पे निकल तो नहीं गई होगी? वही देख रहा हूँ। दीदी शूटिंग? हेलो माधुरी। माँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आज 2 बजे की शिफ्ट है फिल्म सिटी में। हाँ सुबह जाएगी। शर्मिली है मेरे साथ, बात करना है। ये लो। हेलो दीदी। नहीं दीदी, आज मैं कॉलेज नहीं गई, मैं आपकी नई पिक्चर देखने गई थी। हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद आई। दीदी मैं आ रही हूँ आपकी शूटिंग पे। ओके बाय। मैडम आप किस माधुरी के साथ बात कर रहे हैं? इधर बात करो, क्या हो रहा है इस देश में यार? सर पे 50 तस्वीरें लगा के रखी और पूछ रहे किस माधुरी से बात कर रही थी। अरे इस माधुरी से बात कर रही थी। इस, आप इस माधुरी को जानते हैं? जानते हैं? अरे मेरी बच्ची है वो। आपकी बच्ची? बच्ची मतलब हम, मैं उसको यहाँ तक लेकर आया हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं। मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी? और ये उसकी छोटी बहन है। लगा मुझे, आपको देखते ही लगा मुझे कि आप उसकी छोटी बहन ही हो सकती है। शर्मिली जी, मैं आपकी दीदी को मेरी इस होटल की एक कप चाय अपने हाथों से पिलाना चाहता हूँ। चाय तो क्या, किसी दिन मैं दीदी को यहाँ लाती हूँ, खाना खिला देना। सचमुच? सुनो जी, तुम्हारा बिल कितना हुआ? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे, अब मैं आप लोगों से बिल लूंगा। नहीं भाई साहब, सिर्फ इस बिल की बात नहीं है, इन्हें काफी नाश्ता वगैरह भी बनवाना है। हाँ तो बनवाओ ना, आप ही लोगों का तो ये होटल है। अरे पीटर। यस सर। देखो साहब को क्या क्या चाहिए। जी। साहब को तो बहुत कुछ चाहिए। ओ देवा, ओ देवा, ड्राइवर है। बहुत बहुत मुबारक हो। ले मुंह नहीं टकर। क्यों, तुम फिर बाप बन गए क्या? योड़ा हम नहीं, अगले साल तुम बाप बनेंगे। ये तुम्हारा मंगनी का खुशी में, तेरा शर्मिली का चुपके चुपके मंगनी कर लिया, हमको बताया नहीं तू। शर्मिली से? आपसे किसने कहा? शर्मिली बोला, मंगनी का अंगूठी भी मैं दुकान से ले गया और बोला बिल मेरा होने वाले पति से देवा से लेना। ये लो बिल 5,000 रुपए का। क्या है कि विनोद भाई? भाई नहीं, भाई नहीं, सिर्फ विनोद। देख मेरे को तेरा असली मॉडल मालूम पड़ गया है, तू लोगों को पैसों के लिए चपत लगाती है ना। देख देख, मैं मेरा घर और गैरेज दोनों तेरे नाम कर दिया, अभी तो मेरे साथ शादी करोगी ना? मैं तब भी तुमसे शादी नहीं कर सकती विनोद, इसलिए कि मैं देवा से प्यार करती हूँ। देवा से? मेरे गैरेज के मैकेनिक से? लेकिन देवा तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन मैं तो करती हूँ, बचपन से करती हूँ, कितना करती हूँ ये तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बचपन में जब भी वो कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठकर रोता था ना, तो पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत रोना आता था। मैं उसी के सपने देखते हुए जवान हुई और जब तक सांस में सांस है मैं अपने सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। कभी तो वो कहेगा शर्मिली आई लव यू। बड़ा बदनसीब है देवा जो तेरे प्यार को नहीं समझ सका। मैं जानती हूँ जब प्यार में इनकार होता है तो दिल पर क्या बीतती है। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर देना विनोद। खाली विनोद? विनोद भाई नहीं बोलोगे? तेरी जैसी प्यारी बच्ची तो मेरी छोटी बहन ही हो सकती है ना। चल आऊं चुप। शर्मिली आई लव यू। Thank you.
दफा इस दिल में भी हलचल सी होने लगी, हलचल सी होने लगी। गगन पे सितारों का आलम भी था, आज फिर क्यों सब कुछ नया लगने लगा है मुझे। और बात आ जाने मन जी भर के देखो तुझे, हलचलती होने लगी। हर बात दिल की कह दी है खुल के, कुछ भी छुपाया नहीं। हम लोग जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया को टोपी पहनाते थे ना, मगर आज के बाद हम लोग जिंदगी संवारने के लिए दुनिया को टोपी पहनाएंगे। टोपियां सिर्फ आप पहनाएंगे चाचा जी, मैं शरीफ हो गई हूँ। शरीफ, ये क्या हो रहा है इस देश में? बेटी तेरी तबीयत तो ठीक है ना चाचा जी? बैठ देखो, बैठ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं सुधर गई हूँ। अरे क्यों बिगड़ने की बातें कर रही है यार? चाचा जी, देवा के साथ मेरी शादी हो रही है। देवा के साथ? दो दो जवान बेटों की माँ होकर भी तुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। माँ तो करण की शादी क्यों नहीं करा देती? घर में बहू आएगी, सारा काम करेगी। माँ की इतनी ही फिक्र है तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? मैं
मैंने तो अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अब तू कहती है तो अच्छी बात है। तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की मेरी नजर में। लड़की? कौन लड़की माँ? वो लखनऊ वाले है ना ब्रिजमोहन जी, उनकी बेटी। लखनऊ? माँ तो बारात इतनी दूर लेके जाएगी ना, तो बारात की बारात निकल जाएगी। थोड़ा नजदीक सोचना। नजदीक तो दुबे जी की बेटी है, नागपुर तो यहाँ से दूर नहीं है ना? अब नागपुर इतना दूर तो नहीं है, लेकिन इतना नजदीक भी तो नहीं है। थोड़ा और नजदीक सोच। और नजदीक तो डॉक्टर माथुर की बेटी है, उनका घर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। माँ अब तू इतना नजदीक आ गई है तो थोड़ा और नजदीक आ जाना। कहाँ? वो अपने घर के पीछे वाली बस्ती में भी तो एक अच्छी लड़की रहती है। कौन? शर्मिली? हाँ माँ। मुझे पता था वो चुट्टी एक न एक दिन मेरे बेटे का दिल जरूर चुराएगी। माँ तू बाबूजी से बात करना। सही वक्त आने पर करूंगी। ऐसे भी सिद्धांत है। अंकल अंकल, मैं करण का दोस्त बोल रहा हूँ, 3 स्टार क्लब से। आप यहाँ फौरन चले आइए। क्या बोला मैं तेरे को? क्या बोला मैं तेरे को? तू मेरे घर नहीं जाएगी, मेरे बाप से नहीं मिलेगी, समझी? हाँ हाँ, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। जब शादी से पहले माँ बने की हिम्मत है मुझमें, तो अपने होने वाले बच्चे को उसका हक दिलाने की भी हिम्मत रखती हूँ मैं। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ मैं कि तुझ जैसी लड़कियों में कितनी हिम्मत होती है। चल ये तो बता कि तुझे यकीन है कि ये जो पार्सल है मेरा ही है? बास्टर्ड! ये तुम ये क्या कर रही हो? अमृता, करण करण रुक जाओ, करण भागना नहीं, करण 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 रुक जाओ, करण नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या किया तूने? माँ सब कुछ किया, चोरी की, जुआ खेला, शराब पी, सब कुछ किया माँ, मगर ये खून मैंने नहीं किया। ये क्या कह रहा है तू? होश में तो है, जानता है तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ये खून। मुझे बचा ले माँ, वो मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। कौन? अरेस्टन? नहीं, मैं आपको इसे गिरफ्तार नहीं करने दूंगी, कुछ नहीं किया इसने। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारा बेटा किसी का खून कर सकता है? मैं सोच नहीं रहा, जानता हूँ। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए देखिए जरा इसकी हालत, क्या खूनी ऐसे होते, ऐसे दिखाई देते? नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अरे मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। जुर्म करने के बाद हर मुजरिम यही कहता है कि वो निर्दोष है। माँ बोलना।
पुष्पा, मैं आपको मेरे बच्चे को नहीं ले जाने दूंगी। हटो पुष्पा, मैं कहता हूँ हटो। नहीं, आप मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जाते। पुष्पा प्लीज हटो। अरे देख क्या रहे हो, ले चलो उसे। करो ले जाओ उसे। ले जाओ। छोड़ो मुझे। पुष्पा, पुष्पा मेरी बात सुनो। पुष्पा 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 छोड़ दो उसे। लेके जाएगा मेरे भाई को यहां से। कानून के मामले में दखल मत दो देवा। हजारों बार आपके कानून ने गलतियां की, क्योंकि आपका कानून जानता है कि अगर वो गलती करे तो उसे सजा देने वाला कोई नहीं। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि ये निर्दोष है? इसलिए कि इसने जिंदगी में जब जब गलती की मेरी मां ने मुझसे कहा, और आज मेरी मां कहती है कि उसका बेटा निर्दोष है, इसलिए मेरा दिल मानता है कि वो निर्दोष है। और वैसे भी अपनी मां की झूठी कसम नहीं खा सकता। कानून कसम और दिल की आवाज नहीं, सबूत चाहता है, और इसके जुर्म का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। और तुम ये मत भूलो कि मैं यहां एक बाप की हैसियत से नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आया हूं। चलो छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। आज से 15 साल पहले आप और आपके कानून ने मिलकर एक मां को उसके बेटे से जुदा कर दिया था, मार डाला था उसे, और आज फिर 15 साल बाद आपका कानून एक और मां को उसके बेटे से जुदा कर देना चाहता है। नहीं, दोबारा नहीं दोहराने दूंगा मैं इस कहानी को, ना इस मां को मरने दूंगा, ना उसके बेटे को फांसी चढ़ने दूंगा। मिस्टर सिद्धांत, आपकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा है, और एक बात बता दूं आपको, शायद वो दूसरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मां ले दवा खा ले। देवा, मुझे दवा नहीं, मेरा बेटा चाहिए। जब तक मेरा बेटा घर नहीं लौटेगा मैं दवा नहीं खाऊंगी। माँ, वो जल्दी वापस लौट आएगा, लेकिन जानती है माँ, वापस आने के बाद वो तुझे इस हाल में देखेगा तो कितना गुस्सा होगा। वो मुझसे पूछेगा कि मेरे जाने के बाद मेरी बीमार माँ का ख्याल तक नहीं रखा तूने, तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? फिर वो मेरा गेरबान भी पकड़ेगा ना, तो भी मैं उसे हटा नहीं पाऊंगा। चल दवा खा ले। पुष्पा, देवा, इनसे कहते मुझे इनसे बात नहीं करनी, मुझे इनसे बात नहीं करनी। देख लिया, देख लिया अपनी बुरी संगत का नतीजा, कहाँ पहुंच गया तू? तू तो बहुत खुश हो रहा होगा ना देवा, तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद ही हट गया। मां कहती थी कि करण तुझे एक दिन जरूर समझेगा, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लिए तेरा दिल कभी साफ नहीं हो सकता। मैं यहां खुशियां मनाने या तेरी हालत पर हंसने नहीं आया, बल्कि तेरी मदद करने आया हूं। मदद? मेरे फांसी के फंदे के लिए रस्सी लाया क्या? सुन, और आज गौर से सुन, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरे दिल पर जख्म लगाए हैं तूने, सारी जिंदगी सिर्फ मुझे जलील करता आया है तू। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो मैं कहूंगा तू, सबसे ज्यादा नफरत मैं किससे करता हूं तो मैं कहूंगा तुझसे, लेकिन मैं तुझसे इतनी नफरत नहीं करता जितना मेरी मां तुझसे मोहब्बत करती है। और आज इसी मोहब्बत की खातिर मैं अपना
सारा गुस्सा सारी नफरत भूल आया हूं। तू मुझे अपना दुश्मन समझ या सौतेला, लेकिन मैं तेरी जान जरूर बचाऊंगा। अपनी जान पर खेलकर भी कि मेरी मां जिंदा रह सके। तुझे इन सलाखों से बाहर निकालने के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा करण, लेकिन तुझसे नहीं लड़ पाऊंगा भाई। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा ना तो मैं हार जाऊंगा, हार जाऊंगा भाई। भाई क्या कहा? भाई अपने इस नादान भाई को गले लगाकर माफ कर दे भाई। भाई मैंने ये खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले। देखकर नहीं चल सकते? यही सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूं। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जिन बड़ों को छोटों से बात करने की तहजीब ना हो उनसे मैं ऐसे ही बात करता हूं। नजर नीची करके बात करो, हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। धूल भी अहंकार पसंद नहीं करती, लात मारो तो सर पर चढ़ती है। खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। शुक्र कीजिए क्या जान जाने में टकरा हुआ है, और दुआ कीजिए कि कभी जानबूझकर टकराना ना पड़े, वरना जान पहचान महंगी पड़ जाएगी। राजीव अंकल। हेलो अंकल। हेलो निरंजन, तेरे डैडी आए हैं। हाय डैड। निरंजन कैसे हो बेटा? डैड आपके होते मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? बस एक ही प्रॉब्लम है अंकल, यहाँ पड़े पड़े इसी तरह खाते रहे ना तो वजन खूब बढ़ जाएगा हम लोगों का। डोंट वरी बॉयज, तुम सब जल्दी रिहा हो जाओगे। आई नो डैड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मेरे डैडी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यू आर राइट माई सन, तुम्हारे डैड के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पत्थर की लकीर है। हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी में कहावत है, समटाइम डेज आर लॉन्ग समटाइम नाइट्स। शर्मिली बेटी ये देख, इधर मैं क्या लेकर आया हूँ। ये देख, अरे ये देख क्या हो रहा है इस देश में। सिद्धांत का रिश्तेदार बनने से पहले ही हाल है, और अगर बन गया तो क्या होगा, लाखों में खेलूंगा करोड़ों में रहूंगा। क्या हुआ गुड़िया उदास है? मुझे नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो पाएगी चाचा जी। अरे यार तो ऐसी भयानक बातें मत कर, मेरा दिल बैठ जाएगा। नहीं तो देवा का भाई करण खून के इल्जाम में पकड़ा गया है, उसे फांसी भी हो सकती है। खून? वेरी गुड, अरे ये तो बहुत अच्छा है। करण को फांसी होगी तो सारी जायदाद का वारिस अकेला देवा बनेगा, फिर तो अपनी ऐश है। मैं करोड़पति, तू अरबपति, बाकी सब चाय की पत्ती। चाचा जी मैं फांसी के बारे में बात कर रही हूँ, मौत के बारे में। जिस घर में मौत होगी उस घर में शादी हो सकती है क्या? नहीं, मगर मैं तो ये रिश्ते को बेच चुका हूँ। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरे को बहुत पड़ेगी यार। तेरे जैसे शरीफ आदमी को रेप केस में फंसाया, वो भी बुढ़िया के उठे। हाँ, ए बलवान मारो इसे, अरे मारो। अरे बलवान, क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? ओ नहीं नहीं, मैं ऐसी सोच रहा था कि बेटी ये शादी हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर तेरी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? यार तू खुद सोच, अगर करण को कुछ हो गया तो वो अकेला थोड़ी मरेगा, उसके सदमे में उसकी माँ भी मर जाएगी, मतलब डबल डबल मौत हो जाएगी। बेटी जिस घर में तेरे कदम रखने से पहले दो दो मौतें हो जाएंगी, फिर वो घर तुझे अपनी बहू बनाएगा? अरे वो क्या, दुनिया का कोई घर तेरे को अपनी बहू नहीं बनाएगा। बेटी इसलिए करण को बचाने के लिए हम दोनों को देवा की मदद करनी पड़ेगी। मुझे भी तुम लोगों की मदद की जरूरत है शर्मिली। करण के जिस दोस्त बबलू को मैं ढूंढ रहा हूँ, पता चला है वो एक 3-स्टार क्लब में छुपा हुआ है। चूहे को फंसाने के लिए जिस तरह पिंजरे में पनीर का टुकड़ा लगाना पड़ता है, उसी तरह इस हरामजादे को बाहर निकालने के लिए हमें भी कुछ खेल तमाशा करना पड़ेगा।
बारिश की चंद बूंदे पड़ी तो मची इस तरह धूम, सभी जवां दिल सभी हसी दिल गए नशे में झूम। बन जाएगी बात आगे बढ़ेगी तो जोड़ी जम जाएगी। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बोलो मेरे कान में, सुन लिया किसी ने तो शादी टल जाएगी। लगता है तेरी मेरी बात बन जाएगी बात आगे बढ़ेगी तो जोड़ी जम जाएगी। बैकी बैकी आंखें हैं, खोया खोया होश है, जिसको भी देखते हैं वो ही मद होश है। बाहों में संभाल मुझे वरना गिर जाऊंगी, खुली है निगाहें लेकिन बड़ा अंधा जोश है। Me one girl, beautiful, beautiful, charming, tip top, beautiful, beautiful. Me one girl, beautiful, beautiful, charming, tip top, beautiful, beautiful. जूली नूरी बॉबी या फिर जूली नूरी बॉबी।
शादी भी ना मुश्किल है जी। घबराओ मत, दरवाजा मेरे चाचा जी ने बंद किया है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तुम मुझे यहां पर क्यों लाए गए हैं? अमृता के खून के बारे में क्या जानता है? क्या जानता हूं? वही जो तुम जानते हो। पुलिस जानती है, सारी दुनिया जानती है कि उसका खून करण ने ही किया है। करण ने खून किया है? हाँ। हरामजादे, खून होने से पहले तुझे कैसे पता चला कि खून होने वाला है? क्या मतलब? पुलिस को फोन तू नहीं किया था ना खून होने से पहले? वो इसलिए कि उन दोनों का बहुत जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। तो तूने बीच बचाव क्यों नहीं किया? तू तो करण का दोस्त था ना। बोल। बोल बोल, पुलिस को क्यों बुलाया? बोल, बता दो। बता। मुझे खून के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे ना पुलिस को बुलाने के लिए रॉकी ने कहा था। कौन रॉकी? इस क्लब का मालिक। कहां मिलेगा? जिस दिन खून हुआ उसके बाद से दिखाई नहीं दिया। यस, रॉकी कहाँ है? आप उसका फ्रेंड है क्या? आपका साथ भी कोई लफड़ा किया वो? नहीं, मैं उसका दोस्त हूं। अरे तो तुम लोग समझाता काय को नहीं उसको? काय को उल्टा सीधा धंधा करता है वो, है? जो घर से छुप छुप के बाहर रहना पड़ता है उसको। अपना लफड़ा में मेरा टांग तो लिया, क्या अपना लफड़ा में मेरा जान मिलेगा? क्या मिलेगा तो बोलना। मम्मा हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, आखिरी बार मिलने का उसको तो आके मिल लेने का। क्या रॉकी, करण का भाई तेरे को ढूंढने को आया था, तू अंडरग्राउंड ही रहना। तू फिक्र मत कर, वो तो क्या, मैं उसके बाप के हाथ में भी नहीं आऊंगा। पुष्पा, तुम अभी तक जाग रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आपका इंतजार कर रही थी। आज के दिन तो आप शाम होने से पहले लौट आते थे, आज पहली बार इतना इंतजार करवाया। भूल गए आज हमारी शादी की सालगिरह? हाँ पुष्पा, सच तो यह है कि आज पहली बार आज के दिन को भूल गया मैं। सिर्फ इस दिन को नहीं, बहुत कुछ भूल चुके आप। याद कीजिए, पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लेते हुए आपने ये वादा किया था कि आप हमेशा सुख दुख में मेरा साथ देंगे। क्या आज आप मेरे साथ हैं? अपने हाथों में मेरा हाथ लेते वक्त आपने कसम खाई थी कि मेरी आंखों में आप कभी आंसू नहीं आने देंगे। क्या अपनी कसम निभा रहे हैं आप? जब पहली बार मैंने नन्हे से करण को आपके हाथों में दिया था तो आपने कहा था पुष्पा,
तुमने दुनिया की सारी खुशियां मुझे दे दी, लेकिन आज आज उन्हीं खुशियों को आप अपने ही हाथों से जेल की कालकोठरी में बंद कर आए। आज के दिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, कानून का रिश्ता पत्नी और औलाद के रिश्ते से भी बड़ा होता है क्या? परसों आपके साथ गुजारने के बाद आज पहली बार मैंने जाना, आप सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, मगर अच्छे बाप नहीं है, एक अच्छे बाप नहीं है आप। पंजावानो विदा देखो जगमाया चलने जो वामनावारो। मैं सिद्धांत शिकावत शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा। फैसला कर तार कर, नेकियों को जीत ले हम, नेकियों को जीत ले हम, हर बदी को हार कर। बंदों पे अपने है दाता, इतना तो पुकार कर। साथ गुजारने के बाद आज पहली बार तेरी मां ने यह जाना है कि मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हूं, एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर, मगर मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं। क्या समझती है वो कि तुझसे क्या उसी को प्यार है? तेरे लिए क्या वही तड़प रही है, वही दुखी है? उसे क्या लगता है कि इस सीने में पत्थर है? क्या इसमें कभी दर्द नहीं होता? उसे लगता है करण कि अगर तुझे सजा हो गई तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। करण अगर तुझे कुछ हो गया ना तो सबसे पहले मैं टूटूंगा, कर खत्म हो जाऊंगा मैं। सर सर 17 तारीख को बाबा के केस की आखिरी सुनवाई है, बाकी सारे इंतजाम तो हो चुके हैं, लेकिन एसीपी सिद्धांत का खतरा है। अब कोई खतरा नहीं है भंडारी, गवाही तो वो हमारे हक में ही देगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज ओनली वन परफेक्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड
एंड एवरी फादर हैज इट। दुनिया में सिर्फ एक ही लायक बच्चा है और वो हर बाप के पास होता है। औलाद आदमी को बहुत कमजोर बना देती है भंडारी, और आज उसकी औलाद ने उसे उसी डूबती कश्ती में ला बिठाया है जिसमें अब तक सिर्फ हम बैठे हुए थे। इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है मिस्टर शोभराज, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इससे आपको कोई फायदा हो सके। अंग्रेजी में एक कहावत है, बेटर बेंड देन ब्रेक, झुक जाना टूट जाने से कहीं बेहतर है। अपने सिद्धांतों से समझौता कर लीजिए सिद्धांत साहब, वरना टूट कर बुरी तरह से बिखर जाएंगे आप। जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया तो अपनी पत्नी को मुंह दिखा पाएंगे आप? और फिर अभी अभी तो जवान हुआ है आपका बच्चा, दुनिया में अभी देखा ही क्या है उसने। बच्चों से ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें। अब तो इस केस को रफा दफा करने का एक ही तरीका है, हाथ मिला लीजिए हमसे। कमाल है, लोग तो उस आदमी के हाथ का थप्पड़ तक खाना पसंद करते हैं जिसके हाथ में हीरे की अंगूठियां हों, और आप हाथ मिलाने तक के लिए झिझक रहे हैं। शोभराज जी, अगर आप यहां से अब चले जाएं तो अच्छा होगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने हमारे बेटे को आजाद कर दिया तो आपके बेटे को रिहा करवाने का वादा हम करते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, हमारे हाथ वहां तक पहुंचते हैं जहां आज तक साइंस भी नहीं पहुंची। मिस्टर चोपड़ा। ओ नो मिस्टर सिद्धांत, हमें किसी किस्म की जल्दी नहीं है। आप पहले अपने बेटे से जाकर मिलिए और उसकी हालत देखिए, उसके बाद हमें जवाब दीजिए, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। गुड नाइट। मिलॉर्ड, इस केस का एक और अहम गवाह उस दुकान का मालिक अदालत को एक बार फिर अपना बयान देना चाहता है। इजाजत है। योर ऑनर, बेला का बलात्कार और खून निरंजन ने किया है। यह बयान पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती दिलवाया था। सच तो यह है योर ऑनर कि इस मुल्जिम को कभी मैंने अपनी दुकान के आसपास भी नहीं देखा। जज साहब, हम जानते हैं कि खून करना कितना बड़ा जुर्म है और हमें उसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, मगर सच तो यह है जज साहब, उस लड़की का बलात्कार और खून निरंजन ने नहीं, हमने किया है जज साहब। निरंजन वहां मौजूद ही नहीं था जज साहब। माय लॉर्ड, मैं पहले दिन से जानता था कि गवाहों को खरीद लिया जाएगा, सच को झूठ में बदल दिया जाएगा, इसलिए कि मिस्टर शोभराज के ताल्लुकात शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हैं। लेकिन ऑनर, अब भी मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसे ना किसी की दौलत खरीद सकती है और ना किसी की धमकी डरा सकती है, इसलिए कि वो गवाह कोई और नहीं बल्कि उस मासूम गरीब लड़की का बाप है जिसने अपने घर से अपनी बेटी को डोली के बजाय अर्थी पर विदा किया है। माय लॉर्ड, बलात्कार का वो नंगा नाच इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा है। शर्मा जी, 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे आप कहाँ थे? मैं अपनी बेटी को खाना देने उसकी दुकान पर गया हुआ था। क्या देखा आपने वहाँ? ये तीनों वहाँ हैं, दुकान को अंदर से बंद करके इन लोगों ने मेरी बेटी को जानवरों की तरह पीटा है, जानवरों की तरह। तो साहब, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर इन लोगों पर भूत सवार था। तो साहब, किसी ने मेरी बच्ची का बलात्कार किया है। ये खूनी है साहब, मेरी बेटी का कातिल है, इसे फांसी दे दीजिए। बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया? मेरी बेटी का खून नहीं किया तूने? झूठ बोल रहा है बुड्ढा। बोल रहा हूँ,
मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने तूने मेरे बेटे को मारा है। दुकान के अंदर तो मैं सब देख रहा था। तू दुकान के अंदर नहीं था, कोई नहीं था दुकान के अंदर। जब तुम दुकान में नहीं थे तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि ये दुकान में थे या नहीं? ऑर्डर ऑर्डर माय लॉर्ड, मुलजिम ने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त दुकान के अंदर और कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त दुकान के अंदर सिर्फ मुलजिम और उसके दोस्त थे। मैं अपनी तरफ से और इस बदनसीब बाप की तरफ से अदालत से माफी चाहता हूं। मैंने इनसे झूठ सिर्फ इसलिए बुलवाया था कि सच सामने आ सके, और सच क्या है यह अदालत के सामने आ चुका है। थैंक यू माय लॉर्ड। ये अदालत इस्माइल और राजीव को निरंजन का साथ देने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाती है, और निरंजन शोभराज को बेला शर्मा के कत्ल और बलात्कार के जुर्म में ताजिरात-ए- हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। निरंजन, तुम्हारे डैडी ने भेजा है तुम्हें यहां से बाहर निकालने के लिए। चलो जल्दी चलो, आप जल्दी आओ। निरंजन रुक क्यों गया, चलना। उस हरामजादे को साथ ले जाएंगे। अरे देख क्या रहा है, मेरा बाप इतना अमीर आदमी होने के बावजूद भी मुझे नहीं छुड़ा सका। तेरा बाप तो कानून का रखवाला है, वो तेरे गले में खुद फांसी का फंदा डाल देगा। अरे सोच क्या रहा है, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। रोकी आया था मेरे पास, अभी किधर का मुझको मालूम नहीं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे की कसम खा के कहता मैं सच कहता। चलो माइकल दूसरे किनारे पर हमारा इंतजार कर रहा है, चलो। करण चलो 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 चलो। मेरे भाई को मत मारना। तेरे बाप से बहुत हिसाब चुकाने मुझे यार। बेगुनाह साबित करने के लिए बारह बारह फिर रहा हूं, और तू जानता अगर आज इन लोगों के तुम माफ कर दे मुझे भाई। जेल से फरार होने के बाद हमारे बेटे को फिर से काल कोठरी में भेज दिया गया और तुम कुछ नहीं कर सके। मैं दूसरे किनारे पर उनका इंतजार ही करता रह गया सर। कल रात को जो कुछ भी हुआ
वो निरंजन की गलती की वजह से हुआ। अगर वो उस एसीपी के बेटे को साथ में लेके नहीं भागता तो उसका भाई वहां पे कभी नहीं पहुंचता। कौन भाई, कौन पहुंच गया वहां? देवा। हेलो, मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इसे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहां सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा और यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। चूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। चूटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति हैं आप, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भिखारी बनकर मेरे बाबूजी के सामने भीख मांग चुके हैं आप। सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के किरे बाग तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूं, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूं, हिंदुस्तानी। और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मेरा भाई मेरी माँ के जीने का सहारा है, और अपनी माँ को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसके ही सीने में दफन कर दूंगा मैं, याद रखना। सर, अगर आप कहें तो। नहीं माइकल, मैं तो समझता था कि इसका बाप ही नाग है, लेकिन ये हरामजादा तो कोबरा निकला। दोनों के फन कुचलने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा था वो? कि उसका भाई उसकी मां के जीने का सहारा है। तब तो सहारे को जल्द अज जल्द फांसी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। आज के अखबार देखे आपने? यस सर। कल तक जिन अखबारों में सुर्खियां हुआ करती थीं, ईमानदार एसीपी सिद्धांत, आज उन्हीं अखबारों में छप रहा है एसीपी सिद्धांत कितना ईमानदार है। दूसरों के बच्चों को तो बहुत जल्द सजा दिलवा देते हैं आप, अपने बेटे के खिलाफ चार्जशीट बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? चार्जशीट इंस्पेक्टर वीर सिंह तैयार कर रहे हैं सर। लेकिन इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो आप थे ना? यस सर, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर मेरे बेटे की तरफदारी करने का इल्जाम लगाए, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने उन्हें सौंप दी है। और साथ में ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो जब भी चाहें मुझे अदालत में बुलवा सकते हैं अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने के लिए। और कुछ कहना है सर? यस, रातों रात चार्जशीट तैयार करवाइए। कल सुबह कोर्ट खुलने के साथ ही मैं उस मुजरिम को अदालत में देखना चाहता हूं। अंडरस्टैंड? यस सर। क्या है? अरे यार, तुम ऐसी लूक में तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं यार। अरे वाह, सोचना कोई आसान काम थोड़ी है, उसके लिए चलना पड़ता, उल्टा होना पड़ता, सर नीचे टांग ऊपर करनी पड़ती, नहीं तो भेजे में आइडिया नहीं आते। आपको मजाक सूझ रहा है? और मैं इस फिक्र में कि कल करण का केस शुरू होने वाला है, पागल हो रहा हूं। पागल? पागल? राइट, पागल लगता है आप हो गए हैं। मैं नहीं, उसका भाई पागल होगा। लेकिन किसी को पागल साबित करना इतना आसान नहीं है। अरे मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले मैं जिस पागल खाने में था उस पागल खाने का डॉक्टर ये बिल्कुल सर्टिफाई कर देगा कि करण पागल है। 4 साल पहले आप पागल खाने में थे? हाँ, मैं था पागल खाने में। क्यों? वो कुछ हालात ऐसे थे बेटे के, मैं अब इसको क्या बताऊं कि मैं पागल खाने में क्यों था। बोल खुल जाएंगी नहीं? यस सर।
किसी गहरे सदमे के कारण मुलजिम की दिमागी हालत अचानक खराब हो गई है। ये देखिए किस तरह बिना पानी के हवा में स्विमिंग कर रहा है ये। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पागल बनने का खेल सिर्फ अदालत को गुमराह करने के लिए खेला जा रहा है। अगर डॉक्टर घोटीवाला से मुझे चंद सवाल पूछने की इजाजत दी जाए तो मैं ये साबित कर सकता हूं। इजाजत? डॉक्टर घोटीवाला, क्या पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि मुलजिम की दिमागी हालत ठीक नहीं? एसीपी साहब, मैं पिछले 25 सालों से पागलों का डॉक्टर हूं। मैं सिर्फ चेहरा देखकर बता सकता हूं कि कौन पागल है और कौन पागल होने वाला है। लेकिन अचानक पागल होने की कोई वजह तो होगी? है, वजह है। अचानक अगर बहुत कुछ हो जाए तो अचानक आदमी पागल हो जाता है। जज साहब, अचानक अगर किसी लड़के पे खून का इल्जाम आ जाए और उसका बाप अचानक उसके लिए सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर बनकर रह जाए और अपने ही हाथों से उसे जेल में डाल दे तो वजह तो बनी जाती है। माय लॉर्ड, मैं अदालत से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि ये सब एक चाल है, और ये चाल किसने चली है मैं अच्छी तरह जानता हूं। करण, करण, देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हें जो सलाह दूंगा तुम्हारी भलाई के लिए दूंगा। तुम किसी के बहकावे में मत आना वरना और मुश्किल में फंस जाओगे। इसलिए अदालत को साफ साफ बता दो कि तुम पागल नहीं हो। पागल? कौन पागल? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन एक राज की बात बताऊं, मुझे जिन लोगों ने इस पार्टी में बुलाया ना वो सारे पागल हैं। इतनी बोर और बकवास पार्टी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे आधे एक घंटे से मैं आया हूं, किसी ने मुझे विस्की का ग्लास तक नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं, आप एक सिगरेट ही पिला दो। अरे पिलाओ ना, अरे सिगरेट पिलाओ ना। जज साहब, मेरे पेशेंट को जल्दी सिगरेट दी जाए वरना उसका पागलपन बढ़ जाएगा। आप कुछ कह रहे थे? अरे अरे उठो, क्या हो गया? माय लॉर्ड, पेशेंट की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये अदालत मुलजिम को 15 दिनों के लिए डॉक्टरों की निगरानी में मेंटल असाइलम भेजने का हुक्म देती है। चलो चलो जल्दी चलो, तबीयत खराब हो रही है, माफ करना। चलो जल्दी चलो। देवा देवा, ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को पागलखाने भिजवा दिया। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था माँ। करण को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। वक्त हासिल करके भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे देवा। आज तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर जो ड्रामा किया है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आज तुमने अपने भाई की मदद नहीं बल्कि उसे और मुसीबत में डाल दिया है। जानते हो, सरकारी वकील ने दूसरे डॉक्टर की राय मांगी है और वो ये जरूर साबित कर देगा कि तुम्हारा भाई पागल नहीं है। उनके ये साबित करने से पहले कि मेरा भाई पागल नहीं है, मैं ये साबित कर दूंगा कि वो मुजरिम भी नहीं है। अपनी मां को झूठी तसल्ली मत दो। अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो बहुत दुख होगा इसे। इस दुख से मैं सिर्फ अपनी मां को ही नहीं बल्कि आपको भी बचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन करण को सजा होगी तो सबसे पहले आप टूटेंगे। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ले देवा, मगर मुझे नहीं लगता कि तू मुझे इस दुख से दूर रख सके। घे घे घे, घबरा मत, मैं रॉकी का नहीं बल्कि उस डॉक्टर का पता पूछने आया हूं जिसने तुझे इतनी जल्दी चलता फिरता कर दिया। भाई के लफड़े में तेरी एक टांग तो गई, बोल दूसरी भी तोड़ू? मत तोड़ू, मत तोड़ू, बता दो। रॉकी, कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट से बाहर जा रहा है। ये रही उसके प्लेन की टिकट की रसीद। इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? इस वक्त कहाँ मिलेगा मुझे नहीं मालूम। आ...
चाचा जी आप सो रहे? सुबह के 4 बजे, मैं को उल्लू के खाना से थोड़ी देर मुझे नींद नहीं आएगी। बहुत आ रही है। रॉकी अभी तक आया नहीं और आप? अरे यार आ जाएगा बेटे, पंछी अपना घर बदलने से पहले अपने पुराने घोंसले में एक बार जरूर आता है। लगता है वो आ गया। इसी को ढूंढ रहा है ना? लेकिन जब तक तू अमृता के कातिल का नाम नहीं बताएगा तब तक तू ये देश तो क्या मेरे होते हुए ये जगह तक छोड़ के नहीं जा सकता। और तेरे मरने के बाद सारे चेकअप्स और ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग ये दावा के साथ कह सकते हैं कि मिस्टर करण पागल नहीं है। आपको भी करना चाहिए शीर्षासन। करण, चलो मेरे साथ। अरे चलो, कहाँ चलो? मेरा शीर्षासन अभी अधूरा है। करण, इस नाटक से कुछ नहीं होगा। अरे मेरे पेशेंट की तबीयत खराब है। शट अप, शट अप, डॉक्टर गोटीवाला को शट अप बोलते हैं। डॉक्टर गोटीवाला बहुत जल्द हवालात की हवा खाएगा झूठी गवाही देने के जुर्म में। चलो करण। करण, अरे मेरे शासन, चलो। अरे मुझे काले, मैंने आपसे वादा किया था ना कि इससे पहले यह साबित हो कि मेरा भाई पागल नहीं, मैं ये साबित कर दूंगा कि वो मुजरिम भी नहीं। ये रहा आपका असली मुजरिम, उस क्लब डांसर का असली कातिल जिसे आप और आपकी पुलिस तलाश नहीं कर सकी। क्या ये सच है? क्या ये सच है? हाँ साहब, अमृता का खून मैंने किया था। मुझे मारा? क्या पागल हो गई क्या? तुमने मुझे मारा? अमृता क्या कर रही है? अमृता क्यों हो गया अपनी? अमृता छोड़ दो मुझे, मैं तुझे छोड़ दो। एसीपी साहब, मेरी माँ अपने बेगुनाह बेटे के घर लौटने का बहुत दिनों से इंतजार कर रही है। क्या मैं अपने भाई को घर ले जा सकता हूं? मुझे सिर्फ एक दिन और चाहिए। कल ही अपना बयान जज साहब के सामने दे दे, उसके बाद तुम्हारा भाई आजाद हो जाएगा। ले जाओ उसे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू देवा, वेरी प्राउड। नहीं भंडारी, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर रॉकी ने अपनी जुबान खोल दी
कि उसने कैबरे डांसर का खून हमारे कहने पर किया था, तो राष्ट्रपति के हां हमारे बेटे की जो अपील गई है वो नामंजूर हो जाएगी। जहां अपने बेटे की जान बचाने के लिए हमने इतनी जाने ली हैं, वहां एक खून और सही। Thank you.
कैसा हुआ? मैं पूछता हूं कैसा हुआ ये सब? कुछ पता नहीं सर। शट अप! इतने सारे पुलिस वाले होते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर दिन दहाड़े एक आदमी मार दिया गया और तुम कहते हो पता नहीं? क्या कर रहे थे सबके सब तुम? एक एक को सस्पेंड कर दूंगा मैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। यस सर। बाबूजी वो रॉकी? किसी ने रॉकी का खून कर दिया देवा। तो अब मेरे भाई का क्या होगा? सबसे पहले रॉकी के कातिल को ढूंढना होगा। और अगर उसका कातिल नहीं मिला तो मेरा भाई उसे खून के इल्जाम में फंसा रहेगा, है ना? मेरा विश्वास करो देवा, तुम्हारे भाई की बेगुनाही मैं साबित करूंगा। जज साहब से और अपने सीनियर से मैं खुद बात करूंगा। सारी सच्चाई जानते हुए भी आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपका बेटा बेगुनाह है। इसीलिए नफरत करता हूं मैं आपके इस कानून से। मैं जानता था कि आपका यह अंधा कानून बिना सबूत के मेरे बेगुनाह भाई को सजा की सूली पर चढ़ा देगा। बड़ी मुश्किल से मैं वो सबूत लेकर आया था जिसे आपने बड़ी आसानी से मिटने दिया। काश कानून के साथ साथ मैं आप पर भी विश्वास नहीं करता। देवा, हो सकता है सच्चाई को सामने लाने के लिए कानून को थोड़ा वक्त लगे, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। तो ठीक है, कल एक दिन की मोहलत आपने मुझसे मांगी थी और आज एक दिन की मोहलत मैं आपको देता हूं। आपको जिस सच्चाई तक पहुंचना है पहुंच जाइए, वरना अपने भाई को आजाद कराने के लिए ना मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी और ना आपके इस कानून की। हेलो शुभराज। गौतम बोलो, सब ठीक तो है ना? राष्ट्रपति ने तुम्हारे बेटे की अपील ना मंजूर कर दी है और निरंजन की आखिरी ख्वाहिश है कि उसे फांसी तुम्हारी आंखों के सामने दी जाए। हैप्पी बर्थडे माय सन। आज आप मेरे लिए हैप्पी बर्थडे का गाना नहीं गाएंगे डैडी? मुझे किसी और की नहीं आपकी नजर लग गई। आपने मुझे हरा दिया डैडी, हरा दिया आपने मुझे। नहीं चाहिए मुझे नकाब, ऐसे ही फांसी दो मुझे। मैं चाहता हूं मेरा ये बाप मरते हुए अच्छी तरह से मेरी शक्ल देख सके ताकि सारी जिंदगी से अपनी नाकामी का एहसास होता रहे। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही भूल की, इस आदमी पर विश्वास किया मैंने। तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज पत्थर की लकीर है, कुछ नहीं होगा मुझे। झूठे हो तुम, यू आर अ बिग लायर। Yeah.
तारीख को पैदा हुआ था ये, सुबह 4 बजे चौथे महीने में, और इसकी मौत भी 4 तारीख को हुई है, 4 बजे चौथे महीने में। इसे इत्तफाक कहो या बदकिस्मती, लेकिन ये 4 का आंकड़ा हमेशा मेरे बेटे के साथ जुड़ा रहा। जिंदगी में इसके दोस्त भी 4 थे, और जिसने इसे फांसी दिलवाई उसके परिवार के लोग भी 4 हैं। मेरे बेटे की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसकी चिता के आसपास 4 चिताएं और जलेंगी। एसीपी सिद्धांत और उसके परिवार की, आप हुक्म करें, करना क्या है? वो एसीपी समझता है कि मुसीबत खत्म हो गई, उसे पता चलना चाहिए कि मुसीबत तो अब शुरू हुई है। पुष्पा, 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 लक्ष्मी भाई, लक्ष्मी भाई, लक्ष्मी भाई। हेलो। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेंजेंस इज ए डिश विच टेस्ट्स बेस्ट व्हेन इट इज कोल्ड। बदला जितना इत्मीनान से लिया जाए उतना ही उसका मजा बढ़ जाता है। हमारे बेटे की मौत का मातम मनाने के लिए सारा शहर हमारे घर आया, सिर्फ एक तुम नहीं आए। कोई बात नहीं, अपने बेटे को मिलने के लिए तो आओगे ना? आधे घंटे के अंदर अंदर नए ब्रिज पर आ जाना। चुप रह जाएगा। नहीं सिद्धांत, नहीं। जितना बोलना था तुम बोल चुके, आज हम बोलेंगे। सुनो, तुम्हारी पत्नी को हमने कहां छुपा के रखा है ये हमने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। अपने बेटे को मिलने के लिए अकेले आना, वरना सबसे पहले तुम्हारी पत्नी की जान जाएगी। सम्राज, सम्राज। देवा, 1 घंटा मेरा इंतजार करना बाबूजी। अगर मां को बचा सका तो लौट कर जरूर आऊंगा। मेरा बेटा कहाँ है शोभराज? ओ बैठो, बैठ जाओ। दुख, हमने इसकी चिता नहीं जलाई, जलाएंगे, आज ही जलाएंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि जब एक बाप की आंखों के सामने उसके जवान बेटे को मौत की सजा दी जाती है तो क्या बीतती है उसके बाप के दिल पर। Thank you.
ओए, तुम्हारी जेल में ऐसा ही होता है ना फांसी का फंदा, बिल्कुल वैसा ही बनाया है तेरे बेटे के लिए ना, कोई कमी है तो बोल। एक बात गौर से सुन लो तुम लोग। ए, धमकी नहीं, आज कोई धमकी नहीं, कोई चेतावनी नहीं सिद्धांत, आज यहां सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा। वो देख, सिद्धांत, आज तुम्हारा बेटा फांसी पर लटकेगा और इसे फांसी पर कोई जल्लाद नहीं लटकाएगा, तुम खुद लटकाओगे अपने हाथों से। लटका अपने बेटे को फांसी पर, लटका फांसी पर। जिन लोगों का कहा मान लीजिए, मर जाने दीजिए मुझे, लेकिन मेरी मां को बचा लीजिए। बेटे, डैडी आपको मेरी कसम, बेटे ये
सावन का महीना।